हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग माइक्रोस्कोप को इंस्टॉल करना सीखेंगे और उसको यूज करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहते हैं या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उस पर हम लोग गौर करेंगे। ठीक है, सो मेरे साथ एक माइक्रोस्कोप है, ये इसकी ये लाइट होगी। पहले इसको ओपन कर लेते हैं। जनरली इसको जब जो हम लोग किसी को भी डिस्पैच करते हैं तो उसको असेंबल करने में दिक्कत आती है, तो इसका प्रोसेस देखिए मैं समझाता हूँ। बहुत ही आसानी से इसको आप क्या कर सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये बेस है, इस बेस को आप अब बेस पे आपको लगाना होता है रॉड। ये बेस का स्टैंड रॉड है, इसको ओपन करके गाइड कर लीजिए। ये टाइट हो गया, ये बेस आपका रेडी हो गया। इसके बाद आपको ये स्टैंड लेना होता है। इस स्टैंड को दो डायरेक्शन में देखिए, ये इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, तो हम इस तरीके से इसको यूज कर रहे हैं। इसको टाइट कर लिया ताकि ये यहीं पे रुक जाए। ठीक है, और इसके साथ हम यूज करेंगे एक इसके लिए टाइट करने के लिए इसका अगर इसको टाइट कर देते तो ये मूव नहीं कर सकता, इधर उधर ऐसे आगे पीछे हो सकता है लेकिन ये ऐसे नहीं घूमेगा। इसको ढीला ही रखते हैं फिलहाल ऐसे मूव कराने के लिए, लेकिन और ये टाइट करके जितनी ऊंचाई पे है उस पर सेट करने के लिए होना। अब इसके बाद आपको सेट करना चाहिए ये पोर्शन जिसमें आप हेड लगाएंगे, और हेड लगाने से अब हेड जिस पे हैंग करेगा, हैंग कराने के लिए आपको चाहिए ये वाला पोर्शन। ठीक है, सो आप इसको पहले लगा लीजिए। दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, इसको टाइट कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इसको निकाल लीजिए आप पहले, ये रॉड आपको यहाँ पे हैंग करनी है, ये रॉड आपको यहाँ पर लगाना है। इसके साथ दो वॉसल भी मिलेंगे, इस तरीके से आप दोनों साइड इसको लगा लीजिए पहले। इस होल के साथ अलाइन करके ये आप कर लीजिए, ये लंबा इसका लंबा पोर्शन होगा देखेंगे। इसको लगाइए, फिर इसके बाद रॉड डालिए। इसके बाद आप दूसरी वाली रिंग को डालिए। या इसको ओपन करके पहले बाहर ही आप इसको असेंबल कर लीजिए। ठीक है, इसको पहले इस पे सेट कर लीजिए। ये सेट हो गया पूरा। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। ढीला रखें। इसमें यहाँ पे एक लॉक है, इस रिंग को पहले ओपन कर लीजिए। अब यहाँ से इसको डाल सकते हैं, इसको ऐसे भी डाल सकते हैं, ऐसे भी आप इस हिसाब से। जनरली हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं, देखो इस शेप में।
टाइट कर लेंगे ताकि अगर ये नहीं लगाएंगे तो इसको ढीला करने पे ये हेड का पोर्शन नीचे चला जाएगा। ये ब्रेकर है इसके लिए, इसको भी टाइट कर लेंगे और इसको आपका स्टैंड तैयार हुआ। इसके बाद आपको लगाना चाहिए हेड। हेड इस तरीके से अगर प्लेस कर लीजिए, इसको ढीला करके ये टाइट कर लिया नॉक को। एक ही नॉक जनरली आता है, अब ये मूव नहीं करेगा। हेड के साथ लगाना पड़ेगा आपको आई पीस, दो आई पीस मिलेंगे आपको ऐसे, ठीक है। 10x × 20, 10x20 है ये। जनरली कई बार अगर ये अंदर स्लाइड करके मूव नहीं कर रहा होता तो एक आप स्क्रू ड्राइवर लीजिए, इसमें स्टार बिट लगाइए प्लस वाली, और यहाँ पे इसका लॉक है, इस लॉक को थोड़ा ढीला करिए, स्क्रू दिया होगा। अब इसके बाद इसके अंदर डाल दीजिए, यहाँ तक जाकर फंस जाए। अब इसको टाइट कर दीजिए ताकि ये बाहर ना निकले। अगर इसको टाइट कर देंगे तो अब ये बाहर नहीं निकलेगा, इसमें मूव कर सकते हैं ऐसे। इसको भी टाइट कर दीजिए, ये नहीं निकलेगा दोनों ही। यहाँ पे रबड़ लगाए जाते हैं, ये दो रबड़, ठीक है, ये दो रबड़, ये हो गया आपका रगड़। अगर इस पे कैमरा सेट करना है तो कैमरे से पहले सीटीवी लेंस बोलते हैं इसको, ये सीटीवी लेंस आता है 0.35, 0.4, 0.5, 0.5 बेटर माना जाता है, ठीक है। तो आप इसको भी यहाँ पे इसके लॉक को पहले ओपन करना पड़ेगा, यहाँ पे लॉक दिया होता है, इसको पहले थोड़ा ढीला करिए बाहर की तरफ। अब इस वाले पोर्शन को नीचे की तरफ, ऊपर यहाँ पे कैमरा, छोटी रिंग पे कैमरा सेट होगा, ये बड़ी वाली रिंग यहाँ पे स्टक फंसानी है। आप यहाँ लगा दिया आपने, इसको बंद कर दीजिए, टाइट कर दीजिए ताकि ये बाहर ना निकले। देखिए अब इसको बंद कर दूंगा मैं, अब ये नहीं निकलेगा, हो गया ये। इसके ये आपका सीटीवी लेंस कहलाता है, नीचे बार्लो लेंस, यहाँ पे नीचे हाइट बढ़ाने के लिए, ताकि पीसीबी और मध्य आपके इसके माइक्रोस्कोप के बीच में स्पेस रहे, ताकि आप आयरन और एसएमडी का यूज कर सकें। 0.7 लगाएंगे तो बहुत कम स्पेस, बिना लेंस का तो एकदम बहुत ही कम हाइट मिलेगी आपको, 0.7 और 0.5, 0.5 हम लोग यूज करते हैं जनरली लैपटॉप रिपेयरिंग में, 0.5 दिख रहा है, 0.5 का है ये, 0.5x, इसको आप नीचे यहाँ सेट कर लीजिए, हो गया 0.5। कई बार इसके साथ लेंस प्रोटेक्टर भी आता है, इसमें स्मोक वगैरह डस्ट वगैरह ना जमे, इसके लिए लेंस प्रोटेक्टर भी मिलते हैं, इस तरीके का लेंस प्रोटेक्टर। हालांकि इसका कुछ ज्यादा खास यूज नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ अगर ये यूज करते हैं तो इस पे एक प्लस पॉइंट है कि इसके जो रिंग है इस पे आपकी लाइट अच्छे से अटक जाती है, होल्ड कर सकते हैं, अटकना का मतलब होल्ड कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ अगर लगाते हैं तो स्मोक वगैरह से लेंस आपका जल्दी गंदा नहीं होगा, डस्टी नहीं होगा। ये हो गया 0.5x लेंस, 0.5 का सीटीवी, दो 10x20 आईलीस आई पीसेस हो गई है, ठीक है, दो रबड़ पैड हो गए, और इसके साथ ठीक है, ये हो गया हमारा ये कंप्लीट, ये बूम स्टैंड हमारा कैमरा क्या हो गया कंप्लीट। अब इसके साथ हम लाइट लगाएंगे, सीटीवी और साथ के कैमरा, कैमरे तो आप जो मर्जी वो लगा लीजिए, 2K नॉर्मल कैमरे, 31। अगर आपको किसी को दिखाना नहीं है तो कैमरे की जरूरत नहीं है, लेकिन आप बड़े टीवी पे आप देखना चाहते हैं, कई बार इसमें देख काम करते करते आंखों में दर्द होने लगता है। अगर आंखों में दर्द तभी होगा जब आप सही से सेट करके यूज नहीं करेंगे, अदरवाइज कई लोग इस पे यूज नहीं कर काम नहीं कर पा रहे होते कि उनको दिखा आप टीवी में भी, तो जब टीवी में सही लेवल पे देखना होगा तो आपको कैमरे अच्छी क्वालिटी का यूज करना होगा, 4K 2K, लेकिन 4K कैमरा ही नहीं आपका टीवी भी उसके सपोर्टिंग होना चाहिए। अभी मार्केट में बहुत सारे कैमरे आ गए हैं, 6000 से शुरू हो गए, 6500 से शुरू होकर 50000 60000 तक के कैमरे होते हैं, ठीक है। जैसे ये मेरा एक कैमरा है 4K सपोर्टेड है, तो इससे मेरा टीवी पे जो आप मेरी वीडियोस में देखते हैं डिस्प्ले वो थोड़ा क्लियर आता है। ये 4K है मेरा, ठीक है, ये यहाँ पे से
इसके साथ इसका एडाप्टर होता है 12 वोल्ट का, एचडीएमआई जो भी आपको कनेक्ट करना हो टीवी वो एक्स्ट्रा पोर्शन हो जाता है। और यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा एक लाइट, ये लाइट भी आती है। जितनी बढ़िया लाइट होगी उतना बढ़िया व्यू विजन भी मिल पाता है कैमरे को, ठीक है, और आपको भी। तो ये रिंग यहाँ नीचे लाइट लगा दी। सो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे आपका पूरा रेडी। आई पीसेस यहाँ पे लगाया, लॉक कर दिया दोनों साइड। ये सीटीवी लेंस कहलाता है, इसके ऊपर कैमरा लगाते हैं। कैमरा अगर नहीं लगाना है तो सीटीवी लेंस की भी जरूरत नहीं है। नीचे हो गया 0.5 लेंस आता है और 0.7। लैपटॉप रिपेयरिंग से रिलेटेड अगर आप तैयार कर रहे हैं माइक्रोस्कोप तो आपको 0.5 का यूज करना चाहिए, जिससे आपको हाइट ज्यादा मिल पाएगी इस माइक्रोस्कोप और नीचे रखे पीसीबी और वहां पे आयरन और एसएमडी आप आराम से यूज कर पाएंगे। ये इसका बूम स्टैंड कलर, ठीक है, ट्राइनोकुलर इस पूरे माइक्रोस्कोप को बोला जाएगा, ठीक है, ट्राइनोकुलर बूम स्टैंड माइक्रोस्कोप। रेडी, सो आई थिंक आप समझ गया होंगे किस तरीके से इसको क्या करते हैं, असेंबल करते हैं। चलिए, असेंबलिंग तो हमने बताया, साथ के साथ इसको हम खोल कर भी दिखा रहे हैं, तो आपको एक बार रिवर्स में आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। लास्ट में हमने इस पे लगाया था कैमरा या लाइट, तो पहले लाइट खोल लेते हैं। चलिए, ये लाइट हो गई हमारी सेपरेट। और ये हो गया इसका कैमरा, ठीक, ये कैमरा मेरे इस माइक्रोस्कोप का है, मैं इस पे प्लेस कर देता हूँ। और ये लाइट भी यही की है, लाइट के लिए नीचे ये 0.5 का लेंस, ये अलग से आते हैं 0.5 का लेंस और लेंस प्रोटेक्टर। ये तो इसके बाद हमने लगाया था सीटीवी, इसको ओपन किया, सीटीवी हमारा अलग हो गया। या सीटीवी को इसी पे लगे रहने देते हैं। कई बार आपको ये माइक्रोस्कोप के साथ मिलेगा, कई बार अलग से लेना पड़ता है। इसकी कैप लगा देते हैं, ये किस पे कैप लगा देते हैं ताकि इसके डस्ट ना जाए। ये कैप यहाँ पे लगा लेते हैं लेंस के लिए। हम इसकी आई पीसेस ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, जिसके रबर है इसको वापस से हम डाल देते हैं इसके बॉक्स में। इसको ओपन कर लेते हैं इससे। सो अब इसको रख लेते हैं, इसको वापस से पैक करते समय इसकी पोजीशन एकदम बराबर होगी तभी। ये हमने अलग से इसमें लगाया था, ठीक, यहाँ पे ऐसे लगा होता है।
फाइनली इसका बेस ठीक है, ये इसका कवर है डस्टपूफ। ये कंप्लीट हो गया हमारा माइक्रोस्कोप। सो आई होप गाइस आप लोगों को समझ आया होगा कि माइक्रोस्कोप को असेंबल कैसे किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में इसके यूज करने के तरीके के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।